ओम शांति। बाबा जो हमसे बहुत प्यार करता है, न केवल प्यार करता है लेकिन वो हमें बहुत शक्तिशाली बनाता है, यही उसका प्यार है। वो हमें कदम कदम पर गाइड करता है, यही उसका प्यार है। हम भी यदि उससे प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन अवश्य करेंगे। प्यार केवल कहने की बात नहीं, प्यार प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो बाबा हम सभी को बहुत महान बना रहे हैं, हमें पूर्वज बना देते हैं, हमें याद दिला देते हैं तुम पूर्वज आत्माएं हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम्हारी वृत्ति के द्वारा वायुमंडल बनता है, तुम्हारे वाइब्रेशंस बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, इसलिए तुम अपनी जिम्मेदारियों को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो, तुम अलबेले नहीं हो सकते, तुम सोए नहीं रह सकते, तुम व्यर्थ की उलझनों में जीवन नहीं बिता सकते। तुम महान हो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। अनेक दुखी आत्माएं प्यासी नजरों से तुम्हारी ओर निहारती हैं, कब हमारे इष्ट देव प्रकट होंगे, हमें दुखों से मुक्त करेंगे। अनेक समस्याओं में उलझी और तड़पती हुई आत्माएं तुम्हारी ओर प्यासी नजरों से देखती हैं, कब ये हमें समस्याओं से मुक्त करें। पहचाने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, और जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो एक एक सेकंड को और एक एक संकल्प को वैल्यू देंगे। हमारा एक एक सेकंड वर्षों के समान, और हमारा एक एक संकल्प बहुत ही मूल्यवान है। तो हम अपने संकल्प की शक्ति को पहचान कर स्वयं को महान संकल्पों में स्थित करें। हम इस सृष्टि के आधार हैं, हम जहान के नूर हैं, ये जहान हमसे ही रोशन है। अगर हम इस जहान में ना होते तो ये जहान कब का वीरान बन गया होता। अपनी प्योरिटी के, अपनी महान स्थिति के महत्व को सामने रखें। इस संसार में हमारी उपस्थिति ही संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। हम हैं तो जग है, हमारी स्थिति आधार मूर्त है सृष्टि की स्थिति की। तो सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं, अटेंशन दें, हमें सबको योग के वाइब्रेशंस देने हैं। बाबा भी हमें कर्म योगी, निरंतर योगी देखना चाहता है, ताकि हमारे वाइब्रेशंस संसार का कल्याण करते रहें। तो क्या हम इस चीज के लिए जागृत हैं, या हम छोटी बातों में स्वयं को उलझा देते हैं, छोटी बातों के चिंतन से अपने महान चिंतन को डाउन करते रहते हैं। याद रहे, हमारा चिंतन जितना महान होगा हमारी स्थिति भी उतनी महान होगी। और चिंतन महान होता है ईश्वरीय ज्ञान की स्टडी से और श्रेष्ठ स्वमान से। तो आइए आज हम सारा दिन इस महान चिंतन में रहेंगे। मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, मेरी ओर संसार प्यासी नजरों से निहार रहा है, मुझे अब वो कार्य कर लेने हैं जिनके लिए बाबा ने मुझे सुंदर जीवन प्रदान किया है, मुझे वो सब कार्य करने हैं जिसके लिए बाबा ने मुझे शक्तियां प्रदान की हैं। तो आज इस संसार को साक्षी होकर देखेंगे कि ये 5000 साल का खेल पूरा हो रहा है,
सभी ने अपना अपना पार्ट बजाया। सभी सतयुग से उतरते उतरते धीरे धीरे अब अंत में आ गए हैं। अब ये खेल पूर्ण हो रहा है और हम सब आत्माएं सब कुछ छोड़कर, देह छोड़कर अब चली जाएंगी अपने धाम। अपने को जाता हुआ देखें और बैठ जाएं अपनी शांति धाम में, शांति सागर के पास। ओम शांति।